नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ, और आप ट्यून कर चुके आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है फिर भी मैं बता दूं कि मैंने इस समय फिजियोलॉजी, जिसको क्रिया शरीर विज्ञान कहते हैं, BMS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, तो उसमें किया है। क्या मैंने इस समय एक सीरीज़ चला रखी है, जिससे कि पहला ये लेक्चर है उस सीरीज़ का। उसमें होना क्या है कि मैं जितने भी यूनिवर्सिटी में या जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत कम पढ़ा हो या उसके कॉलेज में बहुत कम पढ़ाई हुई हो, लेकिन अगर वो ये इतने टॉपिक्स अगर कर लेता है तो आई होप फुली मैं कह सकता हूँ कि वो पूरी तरह पास हो ही जाएगा, और उसको एक आउटलुक मिल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी किताब तो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, मतलब पास होने की दृष्टि से। हालांकि उसके साथ में मैं एक और अभी चलाऊंगा जिसमें बिल्कुल रेगुलर तरीके से पढ़ाऊंगा, वो जल्दी उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो अभी देखिएगा, मैं आपको बता दूं तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो शरीर चैप्टर से आता है, और वो क्या है, शरीर शब्द की व्याख्या। शरीर शब्द की व्याख्या अब देखिएगा, इसमें पढ़ते हैं क्या है। जिस शरीर की चिकित्सा हेतु प्राचीन मनीषियों ने तंत्रों और संहिताओं की रचना की है, उस शरीर का महर्षि चरक ने निम्न लक्षण प्रतिपादित किया है। अब देखिएगा, अब इन्होंने जो चरक, हाँ मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे साथ जो होती थी घटना है, मैं आपको वही रूबरू कराता हूं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, मुझे लगता है ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। इसलिए देखिए, जहां पीछे और चार सा लिखा होता है ना, जैसे यहां में ही बहुत लोग अटक जाते हैं, चार सा क्या है, तो उसमें क्या है, चाफ और चरक है, साफ और सारी स्थान है, और छः, इसमें छः लिखा हुआ है ना, छः स्लैश करके फोर, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। तो छः का मतलब छः चैप्टर और चौथमा श्लोक है। ठीक है, अभी शरीर स्थान क्या है क्या नहीं, मैं आगे चल के आपको एक बार जरूर बताऊंगा, इसके बारे में फुल डिटेल दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सुनते रहिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, चेतना, हाँ मैं आपको श्लोक पढ़ना तो बता ही गया, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, तत्र शरीरम, शरीर उसको कहते हैं नाम चेतना अधिष्ठान भूत, जिसमें चेतना का अधिष्ठान हो, और पंच महाभूत विकार, पंच महाभूत हों और विकार समुदायात्मक, जब इनके विकार मतलब पंच महाभूत से बनने वाले, ये जो यहाँ पर विकार है ना, विकार, ये विकार जो है ना, ये विकार कोई वो कमियाँ नहीं है, कोई विकार अपंगता नहीं है कोई, यहाँ पे इसका मतलब उससे मिलकर बनने वाले, या जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ बनती है या फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट का समुदायात्मक, अगर समुदाय में रहते हैं तो उसको संयोगवाही जब हो जाते हैं, समुदाय में रहने के बाद संयोग रहता है उनका, मतलब बैलेंस रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब देखिएगा, अब पढ़ लेते हैं हिंदी, चेतना अर्थात आत्मा का आश्रय भूत एवं पंच महाभूत विकारों के संयोग शरीर नाम से जाना जाता है। इस लोक में सभी द्रव्य पांच भौतिक हैं, आपको पता है सब चीज़ें पांच भौतिक हैं, शरीर में पंच महाभूत के विकार के रूप में रसादि धातुएं, अब आपको रसादि धातुएं पते होंगी, सात धातुएं हैं, वही रसादि धातुएं रस रक्त मांस मित अस्थि मज्जा शुक्र। तो अब देखिए, दोष कितने हैं, दोष त्रिदोष हैं, मल कितने हैं, त्रिमल हैं, को ग्रहण करना चाहिए। यह शरीर संयोगवाही होता है, अर्थात त्रिदोष सप्त धातु मल सम मात्रा में रहने पर, समान मात्रा मतलब बैलेंस रहने से यह शरीर गतिमान रहता है। इनका वैषम्य शरीर में क्लेश को उत्पन्न करता है, इनका वैषम्य या विषमता आ जाएगी, या कोई ज़्यादा हो जाएगा कोई कम हो जाएगा, तो क्या होगा, क्लेश उत्पन्न होगा। अब देखिएगा, आगे पढ़ते हैं जी, अब देखिए, अतएव यह कहा जा सकता है जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो, जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो, और जो पंच महाभूत विकारों मतलब प्रोडक्ट, अब जो विकार देखिए, अब यहाँ पे दिया प्रोडक्ट जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, विकारों का समुदाय हो, समुदाय मतलब एक गुट हो, तो उसे क्या कहेंगे, शरीर नाम से जानना चाहिए। शरीर के पंच महाभूत होने के कारण ही महर्षि सुश्रुत ने क्या दिया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अब देखिए, इन्होंने ये क्या कि दोष त्रिदोष धातु सप्त धातु मल त्रिमल मूलम, यही मूल हैं शरीर, किसके, शरीर के। ठीक है, अष्टांग हृदयकार ने क्या कहा है, दोष धातु मला मूल सदा देहस्य। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऊपर वाली हो गई, ये दूसरे नंबर की ये हो गई, ये वाली, ठीक है, तो दूसरे नंबर की कौन सी हो गई, दूसरे नंबर की ये हो गई,
और तीसरे नंबर की ये होगी, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका क्या मतलब है, दोष धातु मला मूल सदा देहस्य, तो दोष धातु मल ये मूल हैं किसके, हमेशा देह के मतलब काय के, ठीक है, का उल्लेख कर शरीर को दोष धातु मलों का उपादान स्वीकार किया है। बस वैसे दोष धातु मल पंचमहाभूत के मेल से ही उत्पन्न होते हैं, यद्यपि पृथक पृथक महाभूतों के द्वारा द्रव्य की रचना संभव नहीं है, ठीक है। अगर ये अलग अलग हो जाएं, अगर जैसे महाभूत अलग अलग हो जाएं तो उसकी द्रव किसी भी द्रव्य की रचना संभव ही नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तथापि इनका न्यूनाधिक संयोग ही इनकी उत्पत्ति का कारण होता है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुश्रुत थे, सुश्रुत, अब देखिए आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ पे, जैसे कि देखिए सुश्रुत, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, सुसा और फाइव स्लैश करके थ्री। अब देखिए सुश्रुत संहिता में सारीर स्थान पाँचवा अध्याय तीसरा श्लोक, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, शुक्र सोड़ित गर्भाशय अस्त आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्तम गर्भ इत्युच्यते। आपको बता दें, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, शायद आप पढ़े होंगे इस चीज़ को लेकिन इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए जो मुझे पता है मैं कोर्स करता हूं आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मैं आपको गिन के दिखा रहा हूं, जैसे कि देखिए आत्मा, ठीक है, आत्मा कितना, एक, और अष्ट प्रकृति, प्रकृति को हम टिक कर रहे हैं, आत्म किया था अभी आत्मा किया, प्रकृति, प्रकृति क्या, अष्ट प्रकृति, ठीक है। और इसमें क्या, शुक्र सोड़ित गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार, विकार कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, और 16 8 1, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना, 25, ठीक है। तो 25 ये तत्व जब मिलते हैं, विकार सम्मूर्छित मतलब सम्मूर्छित एक साथ आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, गर्भ। तो गर्भ की, गर्भ कभी भी अगर आपको कभी ऐसे कर कि शायद ही किसी ने बताया होगा, नहीं बताया और बताया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं है। अब देखिएगा इसको और थोड़ा सा देखते हैं, पहले तो इतने का यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। इस श्लोक में गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति जिस जो कि अष्ट प्रकृति होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रकृति मह अहंकार पंच तन्मात्रा, ठीक है, और विकारों, विकार कौन कौन से, पंचमहाभूत एकादश इंद्रियाँ पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है, एकादश इंद्रियाँ जब भी हम कंसल्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ये षोडश विकार हैं, कितने हैं, षोडश विकार। अब ये षोडश विकार और ये अष्ट प्रकृति तो मिलके क्या हो गए, ये षोडश विकार और अष्ट प्रकृति और आत्मा मिलके कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, इससे युक्त शुक्र स्पर्म और सोड़ित गर्व कहलाता है, यहाँ तक हमने उसमें भी देख लिया, इसमें भी देख लिया। अब देखिए हम इसी में आगे चलते हैं, तम चेतना अवस्थम वायु विवर्जयंती, चेतना अवस्थित मतलब रहती है और वायु का क्या करती है, विभाजन करती है। तेज एनम पचती, तेज, तेज अर्थात पित्त, पित्त क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। आप के लिए दयंती, जो आप है, अब देखिएगा जो क्या कहते हैं ये तेज, वो आप क्या है, क्लेदन का कार्य करती है, मतलब आर्द्रता लाता है। आर्द्रता अर्थात जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हम लोग जनरली देखिए, जो हमारे पास आटा होता है, आटे में अगर पानी डालते हैं तो क्या करता है, आटे को एक जगह कर देता है पानी, ठीक है। तो एक जगह करने को क्या कहते हैं, क्लेदन, ठीक है। और पृथ्वी सनहंती, तो पृथ्वी क्या करती है, कठिनता लाती है, ठीक है। आकाश विवर्धयंती, आकाश क्या करता है, आकाश महाभूत द्वारा आकार में वृद्धि होती, कैसे, उसमें वैक्यूल बन जाता है, वैक्यूल अर्थात रिक्त स्थान बन जाता है, ठीक है। विवर्धयंती एम विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादी विरंग रूप स्थिता शरीरम इति संज्ञा लभते। यही विवर्धन और सदा यही, ये हमेशा होता है, और हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि ये रूप आता है, ये स्थित होता है, इसी को हम क्या, शरीर की संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर हमने उस चीज़ को पढ़ लिया है। अब देखिए एक बार, इस चेतना युक्त गर्भ में वायु द्वारा विभाजन और तेज से पचन, आप जल से क्लेदन आर्द्रता, पृथ्वी से संगनन कठिनता, और आकाश महाभूत द्वारा विवर्धन आकार में वृद्धि होता है। इस प्रकार परिवर्तित गर्भ जब हस्त पाद जिह्वा कर्ण नितंब आदि अंगों से युक्त होता है, तब शरीर की संज्ञा प्राप्त होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर कोई भी आपको कोई भी क्वेरी है कहीं पर, तो आप इसी
कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा, मैं आपको बिल्कुल उसको कोशिश करूँगा उस वाले अगली वाली वीडियो में आपको इसको सॉल्व कराने की, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, थोड़ा सा इसमें एक मॉडर्न एस्पेक्ट भी है थोड़ा सा, और आयुर्वेद आयुर्वेद भी है, दोनों ही देखते हैं। शुक्र एवं सोडित का जब गर्भाशय में संयोग होता है उस समय आत्मा के साथ लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है। इस लिंग शरीर में 18 तत्व विद्यमान रहते हैं, कितने 18, जिसमें एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा, महत्व और अहंकार समाहित हैं। इस अवस्था को आचार्य द्वारा गर्भ नाम दिया जाता है, ठीक है। ये एक अलग एस्पेक्ट है किसी और के द्वारा, ठीक है। इस चेतना युक्त गर्भ में वायु महाभूत द्वारा विभाजन सेगमेंटेशन, ठीक है, का कार्य होता है। विभाजन का तात्पर्य है गर्भस्थ दोष, धातु, मल, अंग प्रत्यंग का विभाग, मतलब बटना, आपस में इधर उधर बट रहे हैं, ठीक है। आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रारंभ में गर्भ एक कोशी यूनिसेलुलर होता है, तदंतर विभाजन होकर अनंत कोशिकाओं से युक्त होकर त्रिस्तरीय गर्भ, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। आपको पता है डर्मिस के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा त्वचा के बारे में, तो मॉडर्न एस्पेक्ट है का रूप धारण करता है। गर्भ में इसी विभाजन के कार्य को वायु द्वारा संपादित हुआ माना जाता है। तेज महाभूत द्वारा शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है, क्योंकि अग्नि महाभूत के बिना रूपांतरण संभव ही नहीं है। अभी आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार पदार्थ विज्ञान में इसको अच्छे से क्लियर करूँगा कि आखिर अग्नि महाभूत का रूपांतरण में कैसे क्या रहता है, रोल क्या रहता है, ठीक है। वायु अग्नि महाभूत के प्रभाववश गर्भ शरीर में शोषण के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके निवारणार्थ जल शरीर में क्लेद आर्द्रता को उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत गर्भ शरीर में जल का संचय तथा लसिका की उत्पत्ति को भी समझना चाहिए। अब गर्भ में उत्पन्न होने वाले विभिन्न धातुओं, अंग प्रत्यंग आदि को का कार्य करता है, अर्थात वायु एवं अग्नि की क्रियाओं से उत्पन्न स्रोतस एवं आशय आदि के ऊर्ध्व, अधो एवं त्रियक विस्तार हेतु अवकाश प्रदान कर शरीर वर्धन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जो भी रिक्त अवकाश स्थान होते हैं, वे सब आकाश के कारण ही होते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एक्सप्लेन करना उनकी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि देखिए मैंने ऊपर अभी बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार आप वीडियो रिवाइज़ करिएगा, वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने पीछे बहुत कुछ बता दिया है, ये इन्होंने काफ़ी हद तक कम भी बताया है, थोड़ा सा समझने में कमी, लेकिन आप वहाँ पे एक दो बार वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप मेरा आज का जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका नॉलेज मिल सके, और दूसरी बात एग्ज़ाम के थॉट से प्रिपरेशन भी हो सके। अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबाने वाले ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले तो लाइक कर देना है, कमेंट का शेयर कर देना है, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद जो बेल आइकन है ना उसको भी दबाना है, और उसके बाद क्या करना, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। मिलता हूँ एक नई वीडियो नई चीज़ के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।